हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट कर दिया है अपने ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में बेसिक्स आपने एरिया से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स आपने सीख लिए, उसके बेसिक्स क्वेश्चंस आपने पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस जो कि दोनों एक ही होते हैं एंड एरिया से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस जनरल आपने परफॉर्म किए। देन वी स्टार्टेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरियाज बेस्ड ऑन द सर्कल्स इन विद सम फॉर्मुलाज सेक्शंस वी डिस्कस। दैट इज फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज माइनर एंड मेजर, एरिया ऑफ द सेक्टर अगेन एज माइनर एंड मेजर, एरिया ऑफ सेगमेंट एज माइनर एंड मेजर, एंड द एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन द 1 मिनट एंड द एंगल डिस्क्राइब बाय द आवर हैंड इन द 1 hour. So all these basics we discussed in the previous classes. Now in this class we have to start. Now in this class we will start the question based on this area's property. Okay? तो एरियाज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्या कंडीशंस अपने को यूज करना है, इन सब के बारे में अपने को बेसिक डिस्कशन करना है। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द टुडे क्लास। राइट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखिए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Key point यहां पे लिख रहा हूं जो digits है ताकि आपको लिखने में या सुनने में problem नहीं हो। The length of the minute hand is of 14 centimeter. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 minutes में कितना area swept करता है वो अपने को calculate करना है। तो important बात यही है कि जो area swept होगा that is in the form of the area of sector, और जो distance move होता है that is in the form of the length of arc. तो area अगर swept calculate करना है so it is necessary to calculate the first theta value. तो theta value में minute hand में क्या discussion था, क्या बताया था, मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल, तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, 360 अपॉन 60 दैट इज द 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो लिखे कंडीशन में, सॉल्यूशन में लिखिए एंगल सबस्टेन्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल सबस्टेंड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री होता है। तो यहां पे आपको 5 मिनट में निकालना है, तो आपको क्या निकालना होगा, एंगल सबस्टेंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपको 5 मिनट के लिए एंगल निकालना है, तो 5 मिनट में जो एंगल निकालते हैं वो आपका थीटा होता है। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30 डिग्री, बिकॉज इन द 5 मिनट दैट इज द 6 डिग्री इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। वॉट इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या बताया था उस दिन आपको, जो लेंथ होता है मिनट हैंड का या आवर हैंड का वो उस सेक्टर रीजन का या उस सर्कुलर रीजन का क्या होता है, रेडियस होता है। सो दैट इज द वैल्यू 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रीजन इज 14 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट, सॉरी कट स्टार्ट, एरिया स्वेप्ट बाय एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो एरिया जो स्वेप्ट होगा मिनट हैंड से 5 मिनट में दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्वेश्चन में जब तक पाई कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 22/7 यूज करेंगे, और जब क्वेश्चन में 3.14 यूज करना होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में लिखेगा दैट यूज पाई इक्वल टू 3.14, बी श्योर दैट। ओके, सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर वैल्यू इज 14 × 14, थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। नाउ फर्स्ट कैंसिल आउट फ्रॉम 7 to 14 टू टाइम्स, फ्रॉम 3 to 360 12 टाइम, सीधा होता है 12 3 36,
उसके बाद किसी को भी किसी से कैंसिल करो, 2 से 12 सिक्स टाइम, 2 से 6 थ्री टाइम, 2 से 14 सेवन टाइम, तो फाइनली वैल्यू आ रहा है 22 इंटू 7 154, 1 इंटू 3 3, तो 154 अपॉन 3 को ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन फॉर्म में 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 51, 1 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट्स के अंदर जितना एरिया स्वेप्ट होगा दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर वैल्यू इज 14, थीटा वैल्यू भी कैलकुलेटेड फॉर द 5 मिनट। सिमिलर क्वेश्चन इज फॉर देयर आवर हैंड, डिफिकल्टी दोनों में कुछ भी नहीं, अगर ये सेम क्वेश्चन आवर हैंड के लिए परफॉर्म करना है तो आवर हैंड्स का 1 आवर में कितना एंगल डिस्क्राइब होता है, कितना एंगल सब्सटेंड होता है, आवर हैंड्स 1 आवर में 30 डिग्री एंगल सब्सक्राइब करता है, यस और नो? तो 1 आवर में 30 डिग्री, 2 आवर में 60 डिग्री, 3 आवर्स में 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, क्लियर पॉइंट? और अगर डिस्टेंस मूव का पूछता है, हाउ मच डिस्टेंस मूव बाय द मिनट हैंड, बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, तो कितना डिस्टेंस मूव होता है, तो डिस्टेंस जो मूव करता है सर्कुलर आर्क पे दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180। डिस्टेंस मूव के लिए अगर कैलकुलेशन करना है सो दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टेंस मूव के लिए अगर कैलकुलेशन करना होता है तो दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड वैल्यू इज फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, राइट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस, इन अ सर्किल, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन बेटा? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, सर्किल का रेडियस 21 है, एन आर्क, एक आर्क है जो कितने का एंगल बना रहा है, एन आर्क सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट पार्ट आपका लेंथ ऑफ आर्क है, सेकेंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि रेडियस और आर्क से जो रीजन बनता है वो सेक्टर होता है, और जो थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, क्योंकि जब भी किसी आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, जब भी किसी आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, कॉर्ड बनता है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन बनता है वो आपका सेगमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क भी पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट भी कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट बोथ विल बी द माइनर बिकॉज द एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। अगर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका बेसिक कंडीशन रिप्रेजेंट होता है कि कोई भी आपने एक आर्क कंसीडर किया, आर्क ए बी, दैट इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज द 60 डिग्री। तो पहले आपको इस लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करना है, फिर इस सेक्टर एरिया को कैलकुलेट करना है, और फिर कॉर्ड को ज्वाइन करते जो आपका ये सेगमेंट बनता है, इस सेगमेंट के एरिया को कैलकुलेट करना है, एंड रेडियस वैल्यू इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो आपका 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा है वो आपका 60 डिग्री है। तो फर्स्ट पार्ट फॉर्मूला से ही होता है कैलकुलेशन, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो आपने यूज किया है पाई आर थीटा अपॉन, ध्यान रखिएगा गलती नहीं हो, पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है,
और सेक्टर में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 आपको बता दिया। जब तक क्वेश्चन नहीं दे तब तक बाय डिफॉल्ट पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट करते हैं। आर वैल्यू आपके पास में 21 है, थीटा वैल्यू आपके पास में 60 है, अपॉन में 180, 60 से 180 थ्री टाइम्स, 3 से 21 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो सिर्फ ए की वैल्यू आ रहा है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क वैल्यू इज 22 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो जो सेक्टर आपका बन रहा है वो सेक्टर रीजन इसी लेंथ ऑफ आर्क से बन रहा है, तो जब सेक्टर रीजन और लेंथ ऑफ आर्क वैल्यू सेम एक्सप्रेशन से बनते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था लेंथ ऑफ आर्क के टर्म्स में सेक्टर का, हाफ इंटू एल इंटू आर, जनरल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से भी आंसर आएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कंपैरेटिवली इजी रहेगा कैलकुलेशन, क्या हाफ एल आर, सो हाफ मल्टीप्लाई एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क वैल्यू इज 22 एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस वैल्यू इज 21, तो 2 से 22 11 टाइम, 11 वन जा 11, 22 प्लस 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेक्टर एरिया आ गया आपके पास में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? अब इसके बाद में आपको सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो सेगमेंट एरिया के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, फॉर्मूला तो अपने को याद ही है लेकिन एक्सप्रेशन क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस और नो? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सेक्टर तो अभी आपने कैलकुलेट किया था कितना 231, तो सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए पहले ट्राइंगुलर रीजन का एरिया निकालते हैं, और ट्राइंगुलर रीजन के एरिया के लिए कैलकुलेशन क्या है अपने पास में, थर्ड पार्ट को जब सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पहले अलग से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जनरल दो तीन कंडीशंस होती है, मतलब दो कंडीशंस है यहां पे ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। पहला पॉइंट कि जब भी आपके पास में सेंटर एंगल 60 होता है, क्योंकि अगर सेंटर एंगल 60 है ओ ए और ओ बी हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की अगर प्रॉपर्टी से बात करें, अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स का सम 180, तो उनमें से दो एंगल्स आपस में इक्वल है और एक एंगल का सम 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर यहां पे अप्लाई करें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अप्लाई करने के बाद में यहां पे भी 60 आएगा और यहां पे भी 60 आएगा, तो तीनों एंगल्स अगर 60 हो गए तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है आपका वो किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या, √3/4a², जहां पे a जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपके पास में ये भी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कल आपने लिखा था इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या लिखा था, r² sin θ/2 cos θ/2। यस और नो? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, r² sin θ/2 cos θ/2। तो किसी भी एक्सप्रेशन से कर सकते हो, आइदर आप पहले इसको इक्विलेटरल बता दे, इक्विलेटरल बता के फिर √3/4a² अप्लाई कर देना, और चाहे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, r² sin θ/2 cos θ/2, कोई मना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये यूज होता है r² sin θ/2 cos θ/2। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए पर्टिकुलर 60 के केस में तो ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल बन जाएगा, लेकिन अगर यहां पे एंगल 30 हुआ या यहां पे एंगल 45 हुआ या यहां पे एंगल 90, 60 और 90 में दोनों पॉसिबल है, अगर यहां पे 90 है तो 90 के लिए तो फिर ये भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, क्योंकि 90 में तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू वाई, तो थीटा 60 और थीटा 90 तो है, तो राइट में तो राइट एंगल बन जाएगा, और थीटा 60 दिए होने का मतलब वो कंडीशन में इक्विलेटरल बन सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा 30 हुआ या क्वेश्चन में थीटा 45 हुआ तो इसके प्लेस पे एक और फॉर्मूला लिखवाया था अगर आपको याद हो तो, इसीलिए कहा था कि वो भी फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा, ½r² sin θ, क्योंकि थीटा 30 और अगर आपने ये लगाया तो कैसे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, थीटा अगर 45 और ये फॉर्मूला लगाओगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, 30 और 45 के केस में ½r² sin θ लगाओ, जनरल कंडीशन 60 हुआ या 120 हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करो, और 90 जब है तो वो तो डायरेक्ट राइट एंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो थोड़ा सा इस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखें, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है, तो यहां पे फिलहाल मैं इस फॉर्मूला से वर्क कर रहा हूं। तो देखिए कंडीशन में r² पहले थीटा वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 60 अपॉन 2
cos 60 अपॉन 2। तो रेडियस वैल्यू आपका क्वेश्चन में है 21, 21 इंटू 21, ये हो गया आपके पास में मल्टीप्लाई में साइन 30 और ये हो गया मल्टीप्लाई में आपके पास में कॉस 30। तो 21 इंटू 21 तो होता है 441, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2। तो कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो 441 इंटू 1 इंटू रूट 3 अपॉन में 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से भी यही आंसर आएगा, इस फॉर्मूला से भी यही आंसर आएगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल से भी यही आंसर आएगा। इक्विलेटरल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 है, ए स्क्वायर का मतलब ए कौन है यहाँ पे साइड जो कि रेडियस है, तो 21 का स्क्वायर सीधा 441, लेकिन पहले उसको इक्विलेटरल प्रूफ करना पड़ता है। इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करते हैं सिर्फ साइन थीटा है तो साइन 60 का वैल्यू टेबल से रूट 3/2 होता है, ऑलरेडी हाफ है तो 2 और 2 4 हो गया, आर का स्क्वायर वही है 441। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आंसर यही आता है। और जब तक क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू गिवन नहीं है आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब डेसिमल में कैलकुलेशन करवाना होगा तो वो आपको रूट 3 भी देगा, वो आपको पाई का वैल्यू भी देगा डेसिमल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक रूट 3 गिवन नहीं है आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो आपको सिंपल आंसर में यही लिखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, दोनों ही वर्ड प्रॉपर है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहां आप फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड कर चुके थे। तो सिंपल सा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो सेक्टर आपने कैलकुलेट किया 231, तो 231 में से क्या माइनस होगा, 441 रूट 3 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, सो दैट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्लियर है, अगर क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, क्वेश्चन अगर डेसिमल में वैल्यूज चाहेगा तो डेफिनेटली वो आपको पाई वैल्यू या रूट 3 का वैल्यू किसी कंडीशन में डेसिमल में गिवन होगा तो वो आप वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करके कराऊंगा क्लास में क्वेश्चन, जिसमें पाई का वैल्यू और रूट 3 का वैल्यू भी पुट करके फाइनल आंसर डेसिमल में भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि आप डेसिमल कैलकुलेशन को भी सीख पाए। लेकिन अगर रूट 3 गिवन नहीं है तो अननेसेसरी अपने चॉइस से कुछ भी पाई का रूट 3 का वैल्यू, ऐसा नहीं कि 1.7 या 1.73 या 1.732 लेके पुट करो, अननेसेसरी कैलकुलेशन करो, कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी अपने सेगमेंट के एरिया के लिए ही मैं आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं, लेकिन इस बार डिफरेंट क्या होगा पहले क्वेश्चन से कि इस बार सेगमेंट के कैलकुलेशन में जो पाई और रूट 3 है उसका वैल्यू आपको गिवन है और उसके लिए कैलकुलेशन आपको प्रूफ करना है। लिखिए क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री, सबस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड, दोनों पूछ लेते हैं अपने आप से, फाइंड में यहां पे एक वर्ड ऐड कर लीजिए पहले, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट एंड सेकेंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एंड डेफिनेटली इट इज गिवन अस इन द क्वेश्चन, यूज, क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या यूज करना है, पाई 3.14 रूट 3 1.73। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि मेजर सेगमेंट और माइनस सेगमेंट के एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, पाई वैल्यू आपका 3.14 है और रूट 3 वैल्यू आपका 1.73। तो जब पाई वैल्यूज और रूट 3 के वैल्यूज अगर आपको डेसिमल में दे रखा है तो जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वैल्यू सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे सारा कैलकुलेटिव पार्ट ही है इस चैप्टर के अंदर। डेसिमल्स में जितनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है उतना ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, और अगर डेसिमल्स मल्टीप्लीकेशन और में दिक्कत है डिविजन और में तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्यूशन जब इसके लिए स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास में रेडियस है,
रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा है आपका 120 डिग्री। तो अगर इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वैसे नेसेसरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अप्रॉक्स आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। AB आपका आर्क है, लेकिन आपको यहां पे कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डेंस क्वेश्चन में बोला है, तो AB आपने कॉर्ड कंसीडर किया, और ये जो कॉर्ड है जिसका रेडियस कितना है सर्किल का, 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्किल के कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल सबसेंट हो रहा है वो 120 डिग्री है, तो माइनस सेगमेंट एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट एरिया निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आर और थीटा के वैल्यू के बाद में फर्स्ट पार्ट जब आप कैलकुलेशन करते हो किसके लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्टली सेक्टर एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। थीटा 120 है तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, क्योंकि थीटा 120 अगर डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपके पास में 120 का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इज इट क्लियर? ये एक्सप्रेशन आपको फॉलो करना है। अब देखिए वैल्यूज तो अपने अपने सब्सिट्यूट करनी है, फिर रफ वर्क मल्टीप्लिकेशन और भी अपने को करना होगा। तो पाई का वैल्यू जब पुट करते हैं तो 3.14, आर वैल्यू जब आप पुट कर रहे हैं तो रेडियस आपका 12 है, थीटा वैल्यू आपका 120 है अपॉन में 360 माइनस फिर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर 12 × 12 साइन 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 120 अपॉन 2। अपॉन 2 सिर्फ थीटा के साथ है, यहां पे जो कैलकुलेशन रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस कर लीजिए। 120 से 360 थ्री टाइम्स, 3 से 12 फोर टाइम, तो आपके पास वैल्यू है 3.14 × 4 × 12। एक बार लिख देता हूं इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 × 4 × 12। ये तो हो गया सेक्टर के लिए, ठीक है। माइनस में यहां पे 12 जब 144 है, साइन 120 अपॉन 2 साइन 60 का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा साइन 120 अपॉन 2 साइन 60 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1/2, तो 2 से 144 72 टाइम्स और 2 से 72 36 टाइम। एम आई राइट? क्लियर हो रहा है आप सबको? तो इस तरीके से वैल्यूज आपको सब्सिट्यूट करना है। अब 3.1 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 जो मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगेगा, देखो कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, 4 जा 16 कैरी 1, 4 + 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 × 12 आ रहा है सेक्टर के लिए, माइनस में 36 × √3 का वैल्यू 1.73। तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों वैल्यूज में देखिए 12 का टेबल तो अपने डायरेक्टली कर सकते हैं, 12 6 48 का 4, 12 5 60 प्लस 4 64 6, 12 2 24 प्लस 6 33, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 150.48। वापस चेक कर लीजिए एक बार, 4 जब, क्योंकि वैल्यूज गलत हो गए तो सब कुछ गलत हो जाएगा, 4 जा 16 कैरी 1, 4 + 1 5, अब देखिए 4 3 जा 12। क्लियर हो गया? फिर वापस 12 से जब मल्टीप्लाई किया, 12 6, देखिए प्रोडक्ट में गलती आ गई इसलिए वापस चेक किया है, 12 6 होता है 72, तो 72 का 2 लगेगा जब 7 आएगा, तो 12 5 60 + 7 67 का 6 आएगा, 12 2 24 + 6 30 का 3 आएगा और 12 + 3, तो ये वैल्यू अब करेक्ट है 150.72। अब 150.72 वैल्यू में से 36 × 1.73 है, तो 36 और 173 का तो रफ में मल्टीप्लाई करना ही होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 36 के टेबल का तो हो नहीं सकता। सो लेट्स डू द मल्टीप्लाई हियर, 6 3 = 18, 7 6 = 42 + 3, 6 + 4 = 10, 3 3 = 9, 7 3 = 21 का 2 आएगा इस पर कैरी, 3 + 2 = 5, 8 9 3 = 12 2 6। टू डिजिट के बाद में अगर डेसिमल लगाते हैं तो वैल्यू है आपके पास में 62.28। कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से करना है, तब जाके आपका कैलकुलेशन पार्ट सही आ पाएगा। 150.72 में से 62.28 को माइनस करना है, 12 - 8 जाएगा,
4 हो गया, 6 माइनस 2 जाएगा 4 हो गया, पॉइंट लग गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहां पे 4 रहेगा, 14 माइनस 6 8 आ गया। तो ये है आपका माइनर सेगमेंट 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था अगर क्वेश्चन आपसे डेसिमल में कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो 100% आपको रूट थ्री का वैल्यू देगा, और अगर रूट थ्री का वैल्यू गिवन नहीं है तो आप अपने आंसर्स को फ्रैक्शंस में उस फॉर्म में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? हाँ, ये चीज ध्यान रख लेना कि अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है और अगर आपने अपने फ्लो में पाई को 22/7 रख दिया तो नो डाउट मार्क्स कट होंगे, ये कंफर्म है। इसलिए बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू क्या गिवन है, जो क्वेश्चन में पाई वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो फाइनली वी कैलकुलेटेड दैट एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 88.44। अब माइनस सेगमेंट के कैलकुलेशन के बाद में जब इसी क्वेश्चन में आपको मेजर सेगमेंट करना है तो मेजर सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो है वो इसी से तो बनता है क्या कि सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का सॉरी माइनस सेगमेंट के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एक काम करते हैं, पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको, एरिया ऑफ सर्कल को। सेकंड पार्ट जो सेगमेंट निकालना है मेजर सेगमेंट, तो उसके लिए पहले सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई दे रखा है 3.14, पाई आर स्क्वायर में पाई 3.14 है और आर वैल्यू आपका 12 × 12 है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में जो टाइम लगेगा वो तो यूज करना ही पड़ेगा, 48 का 4, 12 प्लस 4 16, 16 का 1, 12 3 सा 36 प्लस 1 37, पॉइंट लग गया 2 डिजिट के बाद में, फिर वापस 12 से मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96 में कैरी 9 आएगा, 12 6 जा 72 प्लस 9 81 का 8 आएगा, 12 7 जा 84 प्लस 8 92 का 2 9 आ गया कैरी, 12 3 सा 36 प्लस 45, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सर्किल का एरिया है। अब अपने को कैलकुलेशन में क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेगमेंट। तो अब अपने लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या होगा मेजर सेगमेंट के एरिया का एक्सप्रेशन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे बेटा। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब माइनस होगा तो सर्कल का वैल्यू है 452.16, इसमें से माइनस होगा 88.44, यस और नो? तो माइनस करके वैल्यूज लिखते हैं, 6 माइनस 4 2 हो गया, बोरो लेगा 11 आएगा, 11 माइनस 4 7 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो यहां पे फिर 1 बचेगा, फिर ये इससे बोरो लेगा तो 11 में से 8 जाएगा 3 आ जाएगा, फिर यहां से ये बोरो दे चुका है तो ये 4 है, 4 से ये जाएगा नहीं तो ये इससे बोरो लेगा तो 14 माइनस 8 6 और यहां पे 3, सो दैट इज द मेजर सेगमेंट, दैट आंसर इज 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट कैलकुलेटिव पर्पस से ये कराया गया क्वेश्चन है, ताकि डेसिमल्स आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर क्या होता है वो आप कैलकुलेशन क्वेश्चन में सीख पाए, दैट इज द रिस्पेक्ट टू माइनस सेगमेंट एंड रिस्पेक्ट टू मेजर सेगमेंट। क्योंकि थीटा 120 है तो फॉर्मूला भी आपको स्पेशली यूज करना आना चाहिए, कौन सा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैलकुलेशन पूछेगा तो ही थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, सेगमेंट में इतना सेक्टर में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, सेक्टर एरिया तो सिंपल वन एक्सप्रेशन है और सेक्टर में मैंने माइनर कराया, अगर मेजर सेक्टर भी पूछे तो वही प्रोसीजर है, सर्किल का एरिया निकाल के और माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जिसमें आपके माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के कैलकुलेशंस पे आपसे क्वेश्चन परफॉर्म करवाया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कंडीशंस, ये फॉर्मेट आपको कैलकुलेशन में यूज करना है, इस तरीके से आप माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के लिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखने से पहले एक डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूं, उस डायग्राम से फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज को एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन आपसे क्या डिफाइन करना चाहता है।
तो डायग्राम एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, एक रफ तरीके से डायग्राम एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ये है कि आपके पास में एक सर्कुलर राउंड टेबल है। ठीक है, आपके पास में सर्कुलर राउंड टेबल है जिसमें ये इक्वल सिक्स डिजाइन है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इतना प्रॉपर्ली नहीं है, लेकिन कंडीशन आप समझ सकते हैं कि इस सर्कुलर राउंड टेबल कवर के अंदर ये सिक्स इक्वल डिजाइन्स है, ये है आपका डिजाइन। ठीक है, ये आपके सिक्स इक्वल डिजाइन है। तो सिक्स इक्वल डिजाइन का मतलब क्या हो गया, दैट कंप्लीट सर्किल हैज सिक्स इक्वल माइनर सेगमेंट। क्यों बोला मैंने ऐसा, दैट कंप्लीट सर्किल इज डिवाइडेड, कंप्लीट सर्किल मतलब पूरा सर्किल का पोर्शन नहीं, जो ये डिजाइंस बन रहे हैं इन सारे डिजाइंस में आपस में अगर एरिया इक्वल है तो ये डिजाइंस कौन सा शेप है, सेगमेंट शेप है या नहीं है। सारे डिजाइंस इक्वल है तो इसका मतलब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है जो एज अ सेगमेंट है वो इक्वल होगा। अच्छा, अगर सिक्स इक्वल डिजाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सिक्स इक्वल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि ये इक्वल डिजाइन तभी बनेंगे जब आप इस सर्किल के आर को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये तो कंफर्म है, अगर सिक्स इक्वल डिजाइन में सर्किल डिवाइड हुआ है और वो इक्वल डिजाइन में सेक्टर भी बना सकते हैं और सेगमेंट भी बना सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो ये सिक्स डिजाइन बन रहे हैं उसमें हर डिजाइन के दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ ऑफ आर्क है ए से बी, सपोज दैट यहां पे बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए, तो ये सारे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। और ये लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल है तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है वो भी आपके पास में इक्वल हो गए। तो बात ये करते हैं कि अगर आर्क इक्वल है, कंप्लीट आर्क कितना सेंटर एंगल बनाता है, 360 का बनता है। कंप्लीट आर्क पे सेंटर एंगल कितना बनता है, 360। तो कंप्लीट आर्क अगर सेंटर एंगल 360 बनाता है तो पर्टिकुलर अगर एक आर्क को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, पर्टिकुलर एक आर्क को सेंटर से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये थीटा कितना बनेगा, कोई बता सकता है। कंप्लीट आर्क अगर 360 एंगल बनाता है और सर्कुलर रीजन आपके सिक्स इक्वल आर्क्स में डिवाइडेड है, देन द एंगल मेड बाय द ईच आर्क एट द सेंटर इज डिवाइडेड बाई 6, 360 अपॉन 6, 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए, इसके बाद में बात करते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है। ये लाइन लिख लो, एक तो पहले अ राउंड टेबल कवर हैज, लिखिए क्वेश्चन में अ राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको गिवन है, अ राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। अ राउंड टेबल कवर is divided into the six equal design as shown in the figure. फिर आगे लिखे, the radius of the table cover is, the radius of the table cover is, यहां पे मैं लिख रहा हूं radius value, radius of table cover is 28 centimeter. Radius of the table cover is 28 centimeter. Find the cost of making the table cover. Find the cost of making the design, लिख लीजिएगा, टेबल कवर तो पूरा ही हो गया। Find the cost of making the designs, ये जो designs दिख रहे हैं आपको, find the cost of making the design at the rate of, और इन design का cost क्या है, at the rate of rupees 0.35 per meter square. सॉरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज रूट थ्री इज 1.73। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा कि रूट थ्री आपको 1.73 दे रखा है। सिर्फ रूट थ्री गिवन है, पाई नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट पाई वैल्यू आपका 22 अपॉन 7 डिफाइंड होता है, ध्यान रखिएगा, ये पहले बता चुका हूं। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, अनलेस अंटिल स्टेट यूज पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7। तो यहां पे भी अपने जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा पाई 22 अपॉन 7 लिखना है, जब तक मैं अलग से कुछ क्वेश्चन में नहीं कहता। तो अब देखिए वापस पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये आपका सर्कुलर राउंड टेबल कवर है जिसमें सिक्स इक्वल डिजाइन है,
रेडियस ऑफ द राउंड टेबल कवर इज 28 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और दो स्टेप एडवांस जाएगा, क्योंकि कॉस्ट फाइंड आउट करना है डिजाइन का। डिजाइन कितना है? 6 है। तो एक डिजाइन का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं, एक डिजाइन का अगर पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसको 6 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल डिजाइन का एरिया आएगा, और फिर वो जो एरिया कैलकुलेट होगा वो आपका गिवन कॉस्ट 0.35 से मल्टीप्लाई होगा, देन वी आर एबल टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन। इज इट क्लियर? तब जाके आपके पास में टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन आएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में तो सिर्फ ये राउंड टेबल कवर दे रखा है, इसमें एक आर्क को मार्क किया, उस आर्क को मार्क करके सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये कंफर्म हो गया कि सेंटर से ज्वाइन करने पे, तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट क्या है आपका, सॉल्यूशन पार्ट यही है, रेडियस आपका 28 सेंटीमीटर है एंड थीटा। अब थीटा के लिए ये प्रोसीजर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है, जितने इक्वल पार्ट्स होंगे सर्किल के आर्क के, सर्कुलर आर्क के जितने इक्वल पार्ट्स होंगे सेंटर एंगल उतने वैल्यू से डिवाइड कर दो। 10 इक्वल पार्ट्स अगर बना रहे हो तो 360/10 कर दो, 12 इक्वल पार्ट्स बना रहे हो तो 360/12 कर दो, और 6 इक्वल पार्ट्स अगर बना रहे हैं तो 360/6 दैट इज द वैल्यू थीटा 60 डिग्री। अब बात वही घूम फिर के कि थीटा वैल्यू 60 आ गया, जो वन डिजाइन है वो आपका सेगमेंट है, तो एक डिजाइन अगर सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, और थीटा 60 के लिए वही बात वापस से कि थीटा अगर 60 डिग्री है तो थीटा 60 के लिए आप या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूफ करो और या सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो। तो इस बार मैं फॉर्मूला यूज करता हूं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इक्विलेटरल तो आता ही है, इस बार फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे अपने, एरिया ऑफ वन डिजाइन, पहले वन डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, डिजाइन दैट इज इन द शेप ऑफ द सेगमेंट, ये सिर्फ इतना इतना है पोर्शन डिजाइन का, ध्यान रखिएगा ये डिजाइन है, तो इस डिजाइन का एरिया जो निकलेगा वो सेगमेंट के एरिया से निकलेगा। तो फॉर्मूला बनता है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्राइंगल, जो कि अभी फिलहाल इक्विलेटरल बन रहा है लेकिन मैं थीटा के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो देखिए बोर्ड पे, पाई अगर नहीं दे रखा मतलब 22/7 यूज करना है, आर वैल्यू 28, ओके, थीटा वैल्यू 60 अपॉन 360, थीटा वैल्यू 60 अपॉन 360, ये पूरा कैलकुलेशन एक है, इधर हाफ आर वैल्यू हो गया 28 into 28 और थीटा आपके पास में हो गया 60। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन रिडक्शन का काम करते हैं, 60 से 360 6 टाइम, देखते चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे कट कर रहा हूं, ताकि ऐसा नहीं कि कॉपी में नोट कर दो आपको पता नहीं चले। 60 से 360 6 टाइम, 7 के टेबल से 28 4 टाइम, 2 के टेबल से 6 3 टाइम और 2 के टेबल से 11 टाइम। वैल्यूज को सबको रिड्यूस करो ताकि प्रोडक्ट करने में वापस से दिक्कत नहीं आए, समझ में आ गया, 2 से 6 3 टाइम और 2 से 22 11 टाइम। तो यहां पे देखिए न्यूमरेटर में है 11 into 4 into 28 upon 3, डेसिमल तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को पता है, नहीं तो कॉस्ट निकाल नहीं पाएंगे। इधर 2 से 28 तो कट हो गया 14 टाइम, तो 14 है 28 है और साइन 60 होता है √3/2, यही होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 से फिर 28 कट हो गया 14 टाइम। तो फाइनली आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए भाई 11 को पहले 4 से नहीं कर रहा मैं, 11 को तो 11 रख रहा हूं, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 32, 3 आ गया, 4 2 8 3 11 हो गया 112 into 11 upon 3, यहां पे 14 into 14 वैसे 196 होता है, तो 196 into 14 14 जा तो 196 हो गया, और रूट थ्री क्वेश्चन में कितना गिवन है 1.73, यही है 1.73। अब यहां पे तो मल्टीप्लाई अभी हो जाएगा, रफ में करने की जरूरत नहीं है, 11 2 जा 22 11 2 जा 22 हो गया, 22 में 2 आ गया, 11 बन जाए 11 plus 2 13 13 में फिर 11 1 2 3 2 upon 3, क्लियर है बेटा, 1 2 3 2 upon 3 माइनस, अब 196 into 173 है, तो इसमें रफ में मल्टीप्लाई करने के अलावा आपके या मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है, 196 का
1.73 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 3 6 18, 9 3 27 प्लस 1 28, 3 प्लस 2 5, 7 6 42 का 4 कैरी लगेगा, 7 9 63 प्लस 4 67, 67 में 6 आएगा, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, क्लियर, 6 9 1, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, प्लस 7 19 13, और पॉइंट लगाएंगे 339.08, क्लियर कैलकुलेशन, 339.08। एक बार वापस से चेक कर लेते बेटा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी गलत हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर वापस देखो, मैं कंफर्म कर देता हूं, अच्छा 1 2 3 2 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तब वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेशन वापस से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे गलत हो गया तो फिर आगे कॉस्ट और की कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार वापस चेक कर लेंगे, पहले 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 4 3 जा, यहां से लिख रहा हूं 4 3 जा 12, फिर 3 1 जा 3, फिर 2 में जब डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगेगा, फिर पॉइंट आएगा। अच्छा अब 2 के पीछे 0 लगेगा 20, 6 3 जा 18, फिर 2 के पीछे 0 लगेगा, फिक्स 3 3 जा 18, तो 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके ये तो हो गया 410.67। यहां पे एक बार वापस चेक करते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आपने पुट किया, हाफ का वैल्यू आपके पास में आ गया, हाफ इंटू 14 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60, तो 2 से 28 कैंसिल हो गया, कितने टाइम, 14 टाइम, 14 इंटू 28 इंटू साइन 60, साइन 60 का टेबल से वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 में 2 से 28 कट हो गया 14, 14 14 जा 196, क्लियर हो गया। एक बार मल्टीप्लीकेशन वापस चेक कर लेते हैं, 196 का 173 से, √3 का वैल्यू आपके पास में क्वेश्चन में 1.73 था, देखिए एक बार 6 3 जा 18, 1.73, 3 6 जा 18, 18 का 1 कैरी, 18 का 8 हो गया, कैरी 1 आ गया, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 2 हो गया, 3 प्लस 2 5 आ गया, ठीक है, 7 6 जा 42 का 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 6 आ गया, 7 प्लस 6 13 आ गया, फिर 1 से करेंगे तो 6 9 1 ही रहेगा, तो 8 का 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 6 6 12, 12 प्लस 7, 19 का 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13, 1 2 3, 339.08, तो ये वैल्यू आ गया 339.08, तो इस वैल्यू को यहां पे लिखा 339.08, क्लियर। अब इसको माइनस करते हैं, तो 339.08 को जब माइनस करेंगे तो यहां पे माइनस डेसिमल का करके देख लेते हैं, 410.67 में से 339.08, तो वैल्यूज कैलकुलेशन में 17 माइनस 8 कितना बचेगा, 9 रहेगा, इसके अंदर 5 माइनस 0 5 आ गया, फिर यहां पे 10 माइनस 9 1 हो गया, 10 माइनस 1 9, यहां पे 0 आएगा, 10 माइनस 3 7 हो गया, तो 71.59। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और ये आपका आ गया एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना, 71.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब ऐसे कितने डिजाइन है, ऐसे टोटल डिजाइन आपके पास में कितना है, 6 है, तो वन डिजाइन का अगर एरिया इतना कैलकुलेट किया है तो 6 डिजाइन के एरिया के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से परफॉर्म करना, सही तरीके से चेक होना, क्लियर। तो ये तो हो गया वन डिजाइन का एरिया, अब अपने टोटल एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया निकालने के लिए अपने कैलकुलेशन क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन अगर कैलकुलेट करना है तो 6 डिजाइन के एरिया के लिए क्या करना होगा, 6 मल्टीप्लाई 71.59, क्लियर, करते हैं मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54 का कैरी 5 आ जाएगा, 6 5 जा 30 प्लस 5 35, 3 आ गया, 6 प्लस 3 9, 7 6 जा 42, तो कितना आ गया 6 डिजाइन का एरिया,
429.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन में एरिया 429.54 मल्टीप्लाई कितना था गिवन क्वेश्चन में कॉस्ट आपको 0.35 रुपीस। तो 429.54 को रफ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 429.54 को 35 से, 54 जा 20, 20 का 2, 25 प्लस 2 27, 95 जा 45, 47 का 4, 14 का 1, 54 जा 21, फिर 3 से 3, 4 जा 12, 12 में 1, 15 प्लस 1 16, 27 प्लस 1 28, 2 प्लस 6 8 एंड 4 3 जा 12, तो वैल्यू आ रहा है 0, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 6 13, फिर 13, फिर 8 प्लस 1 9 10, 2 2 4 1 5, और कितने डिजिट है 4 डिजिट 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले अगर डेसिमल निकालते हैं तो रुपीस आ रहा है 150.33, दैट इज द अप्रोक्स, क्योंकि राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 3 3 की जगह 3 ऑफ 4 3 अप्रोक्स छोड़ दो, फिर 3 3 की जगह 3 4 रुपीस कर दो, सो दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, दैट इज रुपीस 150.34। Okay students, so these are the some questions based on the properties of sector, segment and length of arc. In the next class, again we will start with some new concept related to the area of circle. Take care. Thank you students.